तो हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये नट बोल्ट खोल के भी आपको दिखाऊंगा, तो आपने क्या करना है, 22 नंबर की चाबी, ये 22 नंबर की चाबी जो है ये इस पर अच्छे से फिट आती है। सबसे पहले आपने प्रेशर नॉब खोलना है, इस तरह घुमा के खुल जाएगा, इस तरह खोल के खुल जाएगा ये। और उसके बाद ये मैंने नट ढीले कर दिए ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो, इस तरह से ये 22 नंबर के 22 नंबर की चाबी से खुलेंगे, ये देखिए। और इसके अंदर आपको इस तरह के ये रिंग मिलेंगे, इसको भी खोल के दिखाते हैं हम। जरा सूर्य भाई पकड़ो जरा कैमरा, ये दिखाना, अभी तो ये खुल नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ से खोल के निकाल, इस साइड को, इस साइड को सूर्य, इधर एलएम की वाला ना, बढ़िया चीज दिखनी चाहिए। हाँ, दिख रहा है, अंधेरा आ रहा थोड़ा सा, और यहाँ कर तो कैमरा। हाँ, इस तरह से ये निकलेगा, इसी तरह से हम दूसरा बना रहे हैं, ये उधर इसके अंदर है, बस स्टॉप। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने मशीन अपडेट करने के साथ साथ ये पुर्जे भी अपडेट कर दिए हैं। तो रिपेयर किट जो हमारा ये पुराना था, अब पुराने और नए में आप अंतर देखिए, तो दोनों का। तो दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने रिपेयर किट के नाम पे दूसरा रिपेयर किट दे दिया, जो अपडेट मशीन है उसका रिपेयर किट दे दिया है, इस मशीन का रिपेयर किट नहीं है। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है। इसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई रबड़ नहीं लगा है, और इस पर आप देख सकते हैं रबड़ लगा हुआ है। तो इस तरह का रिपेयर किट लेकर कोई फ़ायदा नहीं है कि साइज बड़ा है और इसके अंदर ये फिट नहीं आ रहा, हमने डाल के देखा तो ये बाहर ही रह जा रहा है आधा। तो ऐसा रिपेयर किट से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने जब मशीन लेनी है तो रिपेयर किट उसी मशीन का होना चाहिए। अब जो ये मेरे पास रिपेयर किट है, ये अपडेट वाली मशीन का है, तो ध्यान रखिए इन छोटी छोटी बातों का। तो हम पुराने वालों को ही खोल के दोबारा से इसके जो स्प्रिंग ढीले हो गए हैं, उस स्प्रिंग को हम खींच के लंबा करेंगे, उसके बाद हम इसको फिट करेंगे। ये चीज़ हम आपको दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि इस पर स्पेस बहुत कम है मेरे मोबाइल पे। तो इस तरह से इसको डालना है आपने। अगर आपने क्या करना है, इसका स्प्रिंग ये पार्ट से निकलेगा और इसका स्प्रिंग को आपने खींच के लंबा करना है, उसके बाद आपने इसको फिर से दोबारा लगा देना है। दूसरा लग गया है, ये तीसरा लग गया है, इसी तरह से आपने ये 6 के 6 लगा देने हैं और इसको साफ करना है। इसके अंदर काई वगैरह कचरा वगैरह जमा रहता है, उसके बाद ये रबड़ चेक करना, ये रबड़ कोई कटा हुआ ना हो और इस पर कोई इस तरह का काई वगैरह कुछ कैल्शियम वगैरह ना जमा हो।
तो ये हमने कस दिया। उसके बाद पहले बीच वाला लगाना है आपने, नहीं तो आप इस नट को कस नहीं पाएंगे। मैं स्टॉप कर दिया, मेमोरी खत्म।